आप सभी का स्वागत है द इनिशिएटर में। फ्रेंड्स, आज हम कुछ वेस्ट कार्डबोर्ड और बॉटल से एक वास तैयार करेंगे, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह की शेप में है, चाहे तो आप इन्हें बना भी सकते हैं, और मेरे ये सामान में इसी तरह से राउंड निकले थे। तो अभी हम सबसे पहले हमें जितनी भी हाइट लेनी है, हम इनको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखें। ये देखिए, हमने इस तरह से इसको जोड़ लिया है। आपको जितनी भी हाइट रखनी है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और अब ये जो बॉटल है, हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। और देखिए, जो हमारा ऊपर का हिस्सा है बॉटल का, हम इसे अपने वास का ऊपर का हिस्सा बनाएंगे। और हम इसको यहाँ से इस तरह ड्रॉ करके कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा बेस तैयार हो गया है। आपको इसकी जितनी हाइट रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और देखिए, अब हम फेविकोल ले लेंगे। जितना फेविकोल लेंगे उतना ही हमें इसमें पानी मिक्स करके इसका एक लिक्विड पेस्ट बना लेंगे। देखिए, दोनों को मिक्स कर लेंगे हम। इस तरह से इसका पेस्ट बन जाएगा। ज्यादा पानी नहीं, हल्का सा होना चाहिए। और देखिए, इस तरह से एक होल लगा के हम इसको एक हम अपने इस पे न्यूज़पेपर जो हमने कट किए थे वो इस तरह से लगा लेंगे। इससे ये हमारा हार्डी हो जाएगा। देखिए, हमने इसको पूरे को न्यूज़पेपर और फेविकोल से कवर कर दिया है। और अब हम इसको ड्राई होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ड्राई हो गया है। और हम जो अब इस पर कोड लगाएंगे वो हम वॉल पुट्टी या वाइट सीमेंट का ले सकते हैं। तो देखिए, ये मैं बिरला वाइट का वाइट सीमेंट ले रही हूँ। फ्रेंड्स, हम इसमें फेविकोल मिक्स करेंगे। फेविकोल मिक्स करने से क्या होता है कि जो हमारा बेस है काफी अच्छा बनके तैयार होता है। देखिए, हम इसके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हम इस तरह का थोड़ा सा थिक पेस्ट रखेंगे और अब हम इस पे इसका कोट अप्लाई करेंगे। इसके अपर पार्ट को हम कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको राउंड में कट कर लिया है। अब हम इसके पूरे सरफेस को स्मूथ करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो डो बनाया है उसको थोड़ा थिक बनाया है। hmm.
देखिए इस तरह से अब हम इसको पानी लगा के स्मूथ कर लेंगे और इसी तरह से हमें इसे पूरे को कवर करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया है और इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। और ये रेग मार के और हम इसको इस तरह से स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको रेग मार्क से स्मूथ कर लिया था, लेकिन अभी भी ये थोड़ा थोड़ा इसमें ये हमें गड्ढे से दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस तरह का थोड़ा सा पेस्ट हमने गाढ़ा सा बनाया और जहाँ जहाँ भी हमें ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, हम इसको इस तरह से इसकी फिलिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड, अब हम सेकंड बार अपने इस पॉट को रेग मार्क से स्मूथ कर रहे हैं। ये देखिए हमने इसको बिल्कुल स्मूथ कर लिया है और अब हम इस पे इसका बेस बनाने के लिए हम इस पे ये नैरो लेग का वाइट कलर का इनेमल पेंट करेंगे। और देखिए हम इस पे ये पूरे पे कोट कर लेंगे। इनेमल पेंट करने का फ्रेंड्स फायदा ये होता है कि एक तो हमारे कलर्स में शाइनिंग आती है और दूसरा इसके बाद जो हम कलर करेंगे वो भी हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो ये पिलर बना रहे थे उसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है और अब मैं इस पर थोड़ा सा सेल्फ डिज़ाइन देने वाली हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पेन की कैप ले ली है और इनकी पेन की कैप से मैं ये वाइट और ब्लैक कलर के सर्कल्स इस पर बना रही हूँ। आप अपनी पसंद के कोई भी डिज़ाइन इससे बना सकते हैं।
तो ये देखिए, ये हमारे वास का कुछ फाइनल लुक इस तरह से आया है फ्रेंड्स, और ये बहुत प्रिटी लग रहा है। तो अगर आप भी कम बजट में अपने हाथों से अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।